प्यार में ना प्यार की अलग ही दुनिया होती है। वहाँ पे पर्सन पे ट्रस्ट करना जितना मुश्किल होता है, उस पर्सन से प्यार करना उतना ही आसान होता है, क्योंकि उसकी अनॉइंग हैबिट से डील नहीं करना पड़ता ना हमको, तो वो पर्सन के हर बात पे प्यार आता है, परफेक्ट सी इमेज बन जाती है उसकी माइंड में। तो बीच बीच में ऐसा चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आपका पार्टनर आपको ज़्यादा ही तो मतलब उम्मीदें नहीं कर रहा है आपसे। ही लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड इट्स सजेस्टेड बाय योर मल्टी मैन। मैं पहले से सोच ही रही थी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे एक सीरीज शुरू करती हूँ, जो कि किया भी, पर उस पर अभी तक सिर्फ दो ही वीडियो गए हैं, ये तीसरा होगा। एंड उस प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगा, लव वर्सेस अट्रैक्शन एंड व्हाट इज़ लव, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए कमेंट में, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। क्योंकि LDR में ना प्यार की अलग ही दुनिया होती है, वहाँ पे पर्सन पे ट्रस्ट करना जितना मुश्किल होता है, उस पर्सन से प्यार करना उतना ही आसान होता है, क्योंकि उसकी अनॉइंग हैबिट से डील नहीं करना पड़ता ना हमको, तो वो पर्सन के हर बात पे प्यार आता है, परफेक्ट सी इमेज बन जाती है उसकी माइंड में। तो बीच बीच में ऐसा चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आपका पार्टनर आपको ज़्यादा ही तो मतलब उम्मीदें नहीं कर रहा है आपसे। एनीवेज, बिकॉज ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो इस वीडियो के तीन सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में मैं बताऊँगी कि हाउ यू कैन मेक हर फील स्पेशल। दूसरे सेक्शन में मैं बताऊंगी कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें अवॉइड करें करना जिसकी वजह से रिश्ता कमज़ोर होता है और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता। तीसरे सेक्शन में मैं बताऊंगी कि आप अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी तीन चीज़ें ऐसी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इफ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ माई YT फैम, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, देन यू विल नेवर मिस माई न्यू अपडेट। नंबर वन, इफ शी अपेयर्स इन योर ड्रीम। बहुत लोगों को अपने सपने याद नहीं रहते हैं, इसलिए वो किसी से शेयर भी नहीं करते हैं, बट बचा खुचा सा जो कुछ भी याद है इत्तू साहब उनको बताओ। ज़रूरी नहीं है कि आपने रोमांस देखा हो या प्रॉपर वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, आपका इडियोटिक से इडियोटिक ड्रीम भी ना उनको बहुत स्पेशल फील करवाएगा, बिकॉज शी अपेयर्ड इन योर ड्रीम। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जहाँ पर आप रोज़ रोज़ देखते नहीं हो एक दूसरे को, मिलते नहीं हो, वहाँ पर वो आपके ड्रीम में आई, ये उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। नंबर टू, न्यू रिलीज सॉन्ग्स। इफ़ यू लाइक डेडिकेटिंग सॉन्ग्स टू योर पार्टनर, तो ऐसे गाने भेजने की बजाय जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं वो सुन चुकी हैं, ऐसे गाने भेजिए जो अभी अभी रिलीज़ हुए हैं। इट्स लाइक वो सुनेंगे ही उनको आपके ज़रिए, एंड ये सॉन्ग तुम्हारे लिए है कहने के बजाय ट्राई टू राइट समथिंग वर्थी फॉर हर। और कुछ नहीं तो उस गाने की लिरिक्स लिख लो, ताकि उनको थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट हो उस गाने को सुनने के लिए, और वो सुने तो उनको ऐसा लगे कि हाँ सच में ये मेरे लिए ही था। नंबर थ्री, रिप्लाई ऑन टाइम। एटलीस्ट ट्राई टू रिप्लाई ऑन टाइम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि या अगर नहीं भी कर पाओ आप किसी वजह से, काम में बिजी हो या कुछ भी, तो उनको बाद में रीज़न बताओ कम से कम कि नोटिफिकेशन नहीं आया, या मैं उस वक्त काम कर रहा था, या मेरे आसपास फ्रेंड्स थे तो मैंने ठीक नहीं समझा उस वक्त उनसे बात करना, ऐसा कुछ। एटलीस्ट उनको बुरा नहीं लगेगा कि आपने मैसेज का नोटिफिकेशन ऐसे देख के हटा दिया। एंड अगर आप रिप्लाई कर पाएंगे टाइम पर उनको, तो उनको स्पेशल फील होगा। नंबर फोर, एडिटेड स्टफ्स। उनकी और आपकी पिक्चर्स को एडिट करके आप कोलाज बनाइए, या आप दोनों के पिक्चर्स को यूज़ करके एक अच्छा सा वीडियो बनाइए जिसमें प्यारा सा सॉन्ग हो, और वो उनको भेजिए। दिस कैन मेक हर डे, क्योंकि ये ज़्यादातर लड़कियाँ ही करती हैं ये हरकत, ये बॉयफ्रेंड वाली हरकत नहीं है। और लड़कियाँ भी इसलिए करती हैं क्योंकि उनके फ़ोन में फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स होते हैं इतने, मतलब तो आधा तो वो फोटो एडिटिंग ऐप के फीचर्स को डिस्कवर करते करते में दो चार कोलाज बन जाते हैं। एंड बॉयज़ के फ़ोन में नहीं होते हैं फोटो एडिटिंग ऐप, ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐप होता है, वो भी उन्होंने वो व्हाट्सएप वाली DP को स्क्वायर फिट करके लगाने के लिए रखे होते हैं। नंबर फाइव, टेल हर यू डू मिस हर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप साथ नहीं रहते हो तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आई विश वो भी मेरे साथ यहाँ पे होती, तो ऐसे सारे मोमेंट्स को आप उनके साथ शेयर कीजिए जब भी बात हो, कॉल पे, चैट पे या वीडियो कॉल पे, तो उनको बताओ, तो उनको बहुत स्पेशल फील होगा कि ये तो मेरे साथ नहीं रहकर भी रोज़ मेरे साथ ही होते हैं। सेक्शन टू, नंबर वन, कभी भी डाउट मत करो। लाइक अगर आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करने के बजाय, उनको सवाल पूछने की बजाय एक बार वीडियो कॉल कर लो। लाइक ये कहकर कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, देखना चाहता हूँ, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बहाना बना रही है या झूठ बोल रही है, तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि यार डाउट्स क्लियर करते करते ना रिलेशनशिप भी क्लियर हो जाता है। नंबर टू, डोंट बी सो डिमांडिंग। डिमांड्स बहुत तरह के हो सकते हैं, टाइम को लेकर या अटेंशन को लेकर, पर ये ध्यान रखिए कि डिमांड से ज़्यादा
शिकायतों से ज़्यादा सब्र और समझदारी होनी चाहिए रिश्ते में. नंबर 3, डोंट बी कंट्रोलिंग. मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ आना स्वाभाविक है, पर अगर आप ये सोचकर कि ये मेरे हाथ से निकल जाएगी या मेरी बात मानना बंद कर देगी, तो ये सोचकर अगर आप कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाओगे, मतलब छोटी छोटी बात पे टोकोगे, तो उसके लिए वो बहुत सफोकेटिंग हो जाएगा. जैसे ये फ़ोटो तुमने क्यों पोस्ट करी, उसके कमेंट का क्यों रिप्लाई किया, ये तस्वीर पहले मुझे दिखनी चाहिए थी उसके बाद अपलोड कर लेती. मतलब डोंट टेल हर कि उसे ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ये बोलना चाहिए, वो बोलना, लाइक बहुत सफोकेटिंग हो जाता है एंड दिस बिहेवियर इज़ नॉट बियरेबल. थर्ड सेक्शन, नंबर 1, रिस्पेक्ट. एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए. आप दोनों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बिलीव्स का मजाक उड़ाएंगे. एक दूसरे की वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिश्ते में. नंबर 2, इन्फॉर्म ईच अदर. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है कि रोज़ का बात करने का रूटीन बन जाता है, और जब वो रूटीन ब्रेक होता है तो डिसअपॉइंटमेंट होता है एक पार्टनर को. तो अगर आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ में हो, तो उनको एक मैसेज करके इन्फॉर्म कर दो कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, तो अभी तो मैं नहीं बात कर पाऊँगा, एंड बाद में हो सकता है कि मैं देर से आऊँ ऑनलाइन, तो तुम अपना ख्याल रखना. बस इतना छोटा सा टेक्स्ट करके भेजने में कितना टाइम लगेगा. नंबर 3, यूज़ इमोजीज. बहुत लोग की आदत नहीं होती है कि टाइप करते वक्त इमोटिकॉन्स डालने की, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट पहले सेंड कर दो, उसके बाद फिर कोई इमोजी डाल दो. ऐसा करने से ना उनको फील होगा कि ही इज़ नॉट रॉबोट, उसको भी इमोशंस है मेरे लिए, उसको भी प्यार आता है मुझ पर, तो इसलिए वो लव इमोजीज अभी भी यूज़ करता है. सो इमोजीज कैन सेव योर रिलेशनशिप, ट्रस्ट मी. ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा. एंड कोई भी अगर आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करो, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है कि मतलब मैं खुद से सोच सोच के कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किस किस तरह के वीडियो बन सकते हैं टाइप का थोड़ा नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में. इसलिए मैंने सीरीज़ तो चालू कर दिया है, लेकिन उसमें ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आ पा रहे. सो इफ़ यू हैव टॉपिक्स तो प्लीज़ सजेस्ट मी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन एवरी वेंसडे एंड सैटरडे एंड संडे. एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा. लव यू ऑल.